तो उन लोग लोकेश कनकराज की लियो मूवी आ चुकी है जो कि एलसीयू का पार्ट है। अब वो आगे कैसे, कहां पे, किस जगह पे होगी, वीडियो में हम आगे चल के बात करेंगे। मगर इन सब बातों से पहले इसका मूवी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये आपको थोड़ा सा लेट डाउन जरूर करती है भाई। आई मीन कि अगर आप डाई हार्ड विजय तलपति के फैन हो तो भाई आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर एक मूवी एंथुजियास्ट होने के नाते बोलूं तो भाई पिक्चर ठीक है। अब खैर उसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, मगर इसी के साथ अपने स्पॉइलर अलर्ट देते हुए इसकी स्टोरी की बात कर ले तो पहले कहानी हमें ये बताती है कि प्रतिभन आल्सो नोन एज पार्थी अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ योंग हिमाचल प्रदेश में रहता है एक एनिमल रेस्क्यूअर बनकर और साथ ही साथ एक कैफे भी ओन करता है। उसकी जिंदगी तब खराब होना शुरू हो जाती है जब उसके कैफे पे अटैक हो जाता है जिसकी वजह से उसने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों की जान ले ली, जहां अनवांटेड मीडिया अटेंशन एंड कानूनी कार्यवाही की वजह से हैरोल्ड दास एंड एंथोनी दास को प्रतिभन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, जहां बाद में वो अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए तमिलनाडु से एक ऑफिसर की मांग करता है जो कि कैथी से दिल्ली का रेफरेंस था, जिसकी वजह से उसके पास में अब धीरे-धीरे चीजें अनकवर होने लगती हैं। इवेंचुअली एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में पार्थी एक्सेप्ट करता है कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, जहां मूवी के एपिलॉग में एजेंट विक्रम की वॉइस के साथ लियो का रिक्रूटमेंट ब्लैकमेल भी उसे सुनने को मिलता है कि तेरा पास्ट क्या है लियो, मैं जानता हूं, और तेरे ड्रग ट्रैफिकिंग के पास्ट की वजह से हम आने वाले भविष्य में इंडिया के सारे ड्रग ट्रैफिकिंग वाले प्रेजेंट को खत्म करेंगे, जहां लियो अपनी थकान जाहिर करते हुए भाई एक एग्जास्पिरेशन छोड़ता है कि बहनचोद अभी खत्म नहीं हुआ, और उसी के साथ हम ऑडियंस भी अपनी थकान जाहिर करते हैं कि चलो भाई कम से कम खत्म हुआ। अब देखो ऐसी बात नहीं कि पिक्चर ने मुझे बोर किया, बिल्कुल भी नहीं, पर ड्रैग जरूर से आपको ये करती है। जहां तो इसका फर्स्ट हाफ सही से निकल गया, हम अपने कंक्लूडिंग मोमेंट्स पे पहुंच गए, जहां हम एक आइटम नंबर के साथ एक सेलिब्रेटरी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी देखने को मिलता है जो कि इसे अच्छी लाइट में नहीं डालता मेरे ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि भाई ऐसा बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में भी हुआ था कि पिक्चर एक सवा घंटे तक बीत चुकी है और आपको तब भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस देखने को मिल रहे हैं हंटर्स वाले, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर फिर भी पिक्चर में कुछ अच्छी बातें भी हैं। पहले तो भाई पार्थिव की दुनिया मुझे काफी अच्छी लगती है कि वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है हिमाचल प्रदेश वाली कि आप उसके बारे में और जानना चाहते हो ताकि आप उसके आगे चल के परवाह कर सकते, जहां उसका एनिमल रेस्क्यूइंग वाला सीक्वेंस उसके पापों के प्रायश्चित एंड पास्ट वायलेंट टेंडेंसीज के बारे में भी बताता है, और उसका कॉफी शॉप ओन करना उसकी वार्म प्रेजेंट को भी दिखाता है। जहां विजय तेलपति की परफॉर्मेंस मुझे कमाल की लगी भाई, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि बंदा 50 का होने जा रहा है, एंड भाई जिस तरीके से वो इमोशनल हो जाते हैं मूवी में और जिस हिसाब से उनके स्ट्रॉन्ग एंगर इमोशंस भी निकलते हैं, कमाल का फील होता है कि भाई एक हेल्पलेस फादर हमें नजर आता है वहां पे। मगर इसके बाद भी जो चीज मुझे मूवी में थोड़ी ज्यादा पसंद आई वो थे इसके विलन्स, जहां उन्हें मैं बोलूंगा उन्हें वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ही अच्छा रखते थे मगर जिस हिसाब से उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था भाई मजा आ जाती है उन्हें देख के। यहाँ पे मेरा फेवरेट वो कॉफी शॉप में संजय दत्त का एस्टैब्लिश होने वाला पूरा सीक्वेंस, मजा आ जाती है मुझे भाई, मैं अपनी आंखें पकड़ लिया था भाई कि यार क्या कमाल के एक्टर है संजय दत्त भाई, वो झुक के चलने पे भी उनका वो एब्सोल्यूट दबदबा देखने को मिलता है, मजा आ जाती है देखकर। जिसमें से मूवी में उनके भाई हैरोल्ड दास, जिसको मूवी के अंदर अर्जुन ने प्ले किया है, उनकी आंखों में वो कंट्रोल्ड केओस, वो टोटल वर्दीनेस वाले साइड विलन के तौर पर वो नजर आता है कि हाँ भाई वो हल्के में लेने वाला इंसान नहीं है। जिसमें से मैं ये बात जरूर से बोलूंगा कि भाई अपना सीरियल किलर वाले बंदे के साथ सबसे ज्यादा इनजस्टिस हुआ, क्योंकि भाई वो बंदा भयंकर पोटेंशियल रखता था मगर उसे बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट कर दिया गया। कुछ नहीं तो कुछ वो टेरर तो और डिजर्व करता था लियो की पूरी जिंदगी में, जहां सोचो कि अगर ऐसी सारी चीजें होती कि भाई सारे गैंग्स अपना हिसाब से काम कर रहे हैं और पीछे से ये सीरियल किलर अनप्रिडिक्टेबल एज फक आ जा रहा है जस्ट लाइक जोकर की तरह, भाई मजा आ जाती देखकर। खैर ख्वाहिशें सबकी होती हैं, पूरी किसकी वहां होती है। जिसमें से अभी यहीं से बात आ जाती है कमियों की, आप इनकी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर पाते जो कि आप करना चाहते हो, क्योंकि ये ऐवे ही निकल जाते हैं, ऐसे ही बस हो गया इनका। जहां एकदम कंस्ट्रक्टिव तौर से जब कोई नई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो पुरानी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होती है, जिससे कोई एकदम रियल प्रॉब्लम या टेंशन आपको फील नहीं होता प्रेजेंट में, क्योंकि कैरेक्टर अभी डेंजर में ही नहीं है, नैरेटिव बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है, आप समझ जाते हो कि हाँ भाई निकाल तो लेगा ही, बस बकचोदी कर रहा है। जहां अब अपने VFX एंड स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें तो कमियां हैं, क्योंकि भाई एक 250-300 करोड़ की ऐसी पिक्चर के बारे में देखकर मैं इसमें इनकंसिस्टेंसी तो नहीं फील करना चाहता, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मुझे फील हो गई, क्योंकि वो हाइना वाला अपना CGI वो सही चलता है, काफी अच्छा है, वॉयलेंट है, उसे देख के मजा भी आती है खून खराबा देखकर, मगर वो जो ध्यान दो अपना सबसे पहला कार क्रैश वाला सीन आता है वो पूरा CGI, वो काफी बड़ा लेट डाउन था मेरे लिए। इससे अच्छा तो भाई अपने रोहित शेट्टी करके निकाल देते हैं फिजिकली करके। मगर उसके बाद जो अपना क्लाइमेक्स का पहला कार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है वो थोड़ा सा वीडियो गेमिश सुपरफिशियल
एग्जैजरेटेड भी है, मगर मैंने उसे एंजॉय क्यों किया, क्योंकि वो इंटेंट ही ऐसा था। अब आई नो इस बात से कई बार डिसएग्री करेंगे, मगर मेरा इसे एंजॉय करने का यही तरीका था कि भाई जैसे बुलेट ट्रेन तुमने मूवी देखी है, उसके विजुअल इफेक्ट्स फेकिश लगते हैं, आपको फील होता है, अब उसे आराम से देख के बोल सकते हो कि भाई नहीं भाई वो असली नहीं है, भाई फेकिश लग ही रहा है। और जैसे कि भाई सुपर हीरोज के केप्स होते हैं, आप बता सकते हो कि भाई चलना भाई किसको चूतिया बना रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना होता है, मगर फिर भी वो आपको वहां पे मजा क्यों आती है, क्योंकि वो कूल लगता है, जो कि हम सब वो जानते हैं वो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है वो सीक्वेंस मुझे कूल लगा, जिसमें से मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं भाई फेकिश नहीं लग रहा था, वो लग रहा था, लेकिन मेकर्स का मैं वो इंटेंट समझ पा रहा था कि वो स्टाइलाइज तरीके से इसे प्रेजेंट करने का उनका मतलब ही क्या था, वो ऐसा अच्छा लग रहा था। जिसमें से अब ऑल इन ऑल करके बोलूं तो भाई लोकेश कनगराज मैं आपसे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं वो विक्रम वाला भाई मजा ढूंढ रहा था, वो सरप्राइज ढूंढ रहा था कि भाई वो व्हाट द फक मोमेंट कि भाई मार दिया इसे, जो कि भाई यहाँ पे कैरेक्टर 2 मिनट पहले इंट्रोड्यूस हुई है, उसके मरने पे मैं क्या ही अफसोस करूंगा, क्योंकि भाई वहां बड़ा अफसोस तब फील होता है जब विजय एकदम हेल्पलेस फादर की तरह अपना एक मोनोलॉग दे रहा होता है, टूटता जाता है, अपनी बीवी से बात कर रहा होता है, वहां पे आप एक्टर की परफॉर्मेंस को फील कर पाते हो, क्योंकि आपने जाना है उसके बारे में, वरना बाकी क्यों ही आप किसी की परवाह करोगे। जहां पे अपने कॉम्बैट सीक्वेंसेस की बात कर ले तो भाई वो काफी बेहतर है, अनअपोलोजेटिकली भाई मजा देते हैं, ब्लडी है, वॉयलेंट है, गोरी है, मगर कहीं कहीं पे मीडियोकर भी फील होते हैं, स्पेशली अपने सेकंड हाफ में। आई डोंट नो अपने सेकंड हाफ में इन्होंने इतना जेनेरिक काफी तरीके से आगे क्यों बढ़ना सोच लिया, जिसपे से ओवरऑल बोलूंगा ठीक था मेरे लिए, जहां मैं ऐसे कुछ खास एक्सपेक्ट तो कर रहा था, मगर वो खास एक्सपेक्ट उन्होंने कुछ स्पेशल चीज दी नहीं, बस LCU से कनेक्शन के नाम पर भी बस ऐसे ही कनेक्ट कर दिया कि हाँ भाई चल हो गया तेरा, वैसे कुछ खास नहीं था इसमें, जो कि इसे ऐसे कह सकते हो कि बुरी नहीं है, बस अपना काम कर देती है, पॉसिबल एक्सेप्टेबल टाइप्स है, बस तकलीफ यही हो जाती है कि हम बस यही पॉसिबल एक्सेप्टेबल टाइप्स नहीं ढूंढ रहे थे, कनगराज साहब हम आपसे कुछ बेहतर ढूंढ रहे थे। खैर ये मेरे ओपिनियंस से, बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, क्या तुमने एंजॉय किया, एंजॉय तो किया ही होगा, अपने सारे ओपिनियंस में जरूर बताना, एंजॉय करने के कई सारे मोमेंट्स है इसमें, मगर ओवरऑल तुम इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने सैम बहादुर मूवी के ट्रेलर के ऊपर बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर तब तक के लिए देखते रहिए विजय एक्सप्लेन।